नमस्कार दोस्तों, विवाद से विश्वास स्कीम जो भारत सरकार ने घोषित करी थी बजट 2020 के थ्रू, उसके मूल स्वरूप में यानी जो बिल रखा गया था उसमें कुछ चेंजेस प्रस्तावित किए गए और उन चेंजेस के साथ में 4th ऑफ मार्च 2020 को दोबारा से विवाद से विश्वास स्कीम कुछ चेंजेस के साथ में लोकसभा में प्रस्तुत की गई और लोकसभा ने अप्रूव करी। अभी हालांकि लोकसभा के बाद राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय की एसेंट वो लेवल क्लियर होना बाकी है, परंतु ये मानते हुए कि विवाद से विश्वास स्कीम का ये फाइनल वर्जन लागू होगा, मैं आज की इस वीडियो के थ्रू आपके सामने जो नए स्वरूप में विवाद से विश्वास स्कीम हमारे सामने है उसके संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ में इस स्कीम के फीचर्स, इसके साथ साथ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और साथ ही सीबीडीटी ने जो रिसेंट एक सर्कुलर जारी किया है उस सर्कुलर में क्या मुख्य प्रश्न है जिनका उत्तर हमें समझ लेना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग एन एसएससी या बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, तो इन सारी बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। परंतु सर, सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्कीम विच मस्ट बी केप्ट इन टू माइंड एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो गवर्नमेंट ये कहती है द पर्पज ऑफ द स्कीम इज टू रिड्यूस पेंडिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन। ये किसी प्रकार की ऐसी स्कीम नहीं है सर कि जो आपके काले धन को वाइट करने के लिए लेकर के आई है। इस स्कीम के अंदर जो मूल बात है, अगर आपका कोई इनकम टैक्स में लिटिगेशन पेंडिंग चल रहा है तो वो जो लिटिगेशन है डिपार्टमेंट के साथ आपका, उस लिटिगेशन को हटाना, खत्म करना, ये इस स्कीम का मूल उद्देश्य है। साथ साथ जनरेटिंग टाइमली रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेनिफिटिंग टैक्स पेयर्स बाय प्रोवाइडिंग देम पीस ऑफ माइंड, सर्टेनिटी एंड सेविंग ऑन अकाउंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस। तो सर, इस स्कीम के ये कुछ मुख्य पर्पज हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए ये स्कीम बनाई गई है। जो बहुत महत्वपूर्ण बात सर इस स्कीम के लिए है, जिसे मैं कट ऑफ डेट बोलता हूं या स्पेसिफाइड डेट बोल सकता हूं इस बिल के अनुसार, वो है सर 31 जनवरी 2020। यानी अगर आपका केस 31 जनवरी 2020 को पेंडिंग है, कहां पेंडिंग है, सीआईटी अपील, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और भी कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से रखूंगा। और एक नई बात इसके साथ साथ, मान लीजिए केस पेंडिंग नहीं है पर आप अपील फाइल करने की पोजीशन में थे, यानी आपकी अपील फाइल करने की ड्यू डेट अभी नहीं निकली, तो ऐसी परिस्थिति को डीम्ड अपील केस माना गया। यदि 31 जनवरी 2020 को आपकी एक अपील इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विरुद्ध सीआईटी अपील में, आईटीएटी में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और एक महत्वपूर्ण बात, चाहे आपके द्वारा वो अपील फाइल की गई है या डिपार्टमेंट द्वारा फाइल की गई है, ये एक क्लैरिटी लेकर क्या है, तो आप इस स्कीम में जाने के लिए बाय डिफॉल्ट एलिजिबल हैं। और इस बात को मैं और टेक्निकलिटी के साथ में आगे के डिस्कशन में लेकर के आता हूं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है एलिजिबिलिटी ऑफ एन अपीलेंट, जिसको कि इस स्कीम में आगे जाकर के डिक्लेरेंट कहा गया है। यानी आप एक अपीलेंट हैं और आप यदि इस स्कीम के अंदर इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप बाद में डिक्लेरेंट कहलाएंगे, परंतु यदि आप अपीलेंट ही नहीं है तो आप डिक्लेरेंट यानी घोषणा करने वाले व्यक्ति नहीं बन सकते। तो जो हमें समझना है वो क्या सर, अपीलेंट कौन हो सकता है? तो ये जो स्कीम है वो कह रही है सर, अपीलेंट मींस इन हूज केस एन अपील और रिट पिटीशन और SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती है, हैज बीन फाइल्ड बाय हिम, दैट इज बाय SSC और बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले चर्चा करी सर, कि आप मान लीजिए सीआईटी अपील में जीत गए, अब डिपार्टमेंट आपके विरुद्ध आईटीएटी में खड़ा है, आप आईटीएटी में जीत गए, डिपार्टमेंट आपके विरुद्ध हाईकोर्ट में खड़ा है, आप हाईकोर्ट में जीत गए, डिपार्टमेंट आपके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है, या आपने और डिपार्टमेंट ने, दोनों ने अपने अपने बिंदुओं पर सबसीक्वेंट कोर्ट में अपील कर रखी है, तो ऐसी परिस्थिति में इन हूज केस एन अपील और रिट पिटीशन और SLP हैज बीन फाइल्ड बाय हिम और बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी और बाय बोथ बिफोर एन अपीलेट फोरम एंड सच अपील और पिटीशन इज पेंडिंग ऑन द स्पेसिफाइड डेट। नंबर टू, इन हूज केस द ऑर्डर हैज बीन पास बाय द AO और CIT अपील और ITAT इन एन अपील और बाय द हाई कोर्ट इन अ रिट पिटीशन ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। सर, स्पेसिफाइड डेट क्या है? 31 जनवरी 2020। एंड द टाइम फॉर फाइलिंग एन अपील और SLP हैज नॉट एक्सपायर्ड, जिसको मैंने पहले बोला सर डीम्ड अपील केस।
तो यदि आपका डीम्ड अपील केस है, यानी मैं इसको उदाहरण के रूप में रखता हूं कि मान लीजिए सीआईटी अपील ने एसएससी के केस में 1 जनवरी 2020 को एक अपीलेट ऑर्डर पास किया, यानी एसएससी की अपील डिस्पोज ऑफ हो गई। परंतु यदि वो पर्टिकुलर अपील में मान लूं कि एसएससी के फेवर में नहीं डिसाइड हुई, तो लॉ ये कहता है सेक्शन 253 में कि सीआईटी अपील के ऑर्डर पर फर्दर अपील आईटीएटी में फाइल करने के लिए मेरे पास 60 डेज की टाइम लिमिट है। यानी मैं 1 जनवरी के ऑर्डर के बाद में फर्दर 60 डेज में आईटीएटी में अपील कर सकता हूं। अब मान लीजिए मैंने 31 जनवरी 2020 तक अपील करी नहीं, बाद में करने की मेरी मंशा है, तो ऐसी परिस्थिति में सर चाहे 31 जनवरी 2020 को मेरी अपील फाइल नहीं है, तो भी मैं इस स्कीम के अंतर्गत विवाद से विश्वास स्कीम में एक डीम्ड अपील वाला स्टेज पर व्यक्ति माना जाऊंगा और इसलिए मैं डिक्लेरेंट हो सकता हूं, इस स्कीम का लाभ उठा सकता हूं। तीसरी बात, अ पर्सन हु हैज फाइल्ड ऑब्जेक्शंस बिफोर डीआरपी एंड डीआरपी हैज नॉट इशूड एनी डायरेक्शन और डीआरपी हैज इशूड द डायरेक्शन बट यू हैज नॉट पास्ड ऑर्डर। डीआरपी यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल सर कहां पर आता है, जहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड मामले होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति का ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड मामले में सेक्शन 144 सी ऑफ इनकम टैक्स में कोई डीआरपी का मैटर बनता है, तो वो व्यक्ति भी सर बाय डिफॉल्ट यहां पर इस स्कीम में एप्लीकेंट या अपीलेंट या डिक्लेरेंट हो सकता है। और चौथी बात, अ पर्सन हुज एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 264 इज पेंडिंग बिफोर सीआईटी एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट, यानी 31 जनवरी 2020 को जिस व्यक्ति ने सीआईटी के समक्ष, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के समक्ष सेक्शन 264 में एक रिवीजन एप्लीकेशन लगा रखी है, वो व्यक्ति भी सर इस स्कीम के अंदर बाय डिफॉल्ट एप्लीकेंट हो सकता है। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी जो हमें यहां समझनी है वो क्या है, मीनिंग ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। ये क्यों महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि जब आप विवाद से विश्वास स्कीम में जाएंगे तो इस स्कीम के अंतर्गत फाइनली आपको डिस्प्यूटेड टैक्स का या उसके किसी परसेंटेज का पेमेंट करना है। तो डिस्प्यूटेड टैक्स है क्या, ये चीज हमें समझनी है। तो लॉ कह रहा है सर जो प्रस्तावित है, डिस्प्यूटेड टैक्स मींस इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस, यानी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए जो सरचार्ज एजुकेशन सेस एसएचईसी एज द केस में भी एप्लीकेबल था, उसके सहित आपकी डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। पेएबल बाय द अपीलेंट इन केस ऑफ एनी अपील, रिट पिटीशन और एसएलपी इज पेंडिंग एज ऑन 31 जनवरी 2020, तो आपकी डिस्प्यूटेड टैक्स क्या होगी, टैक्स पेएबल एज इफ सच अपील एक्सेट्रा वॉज टू बी डिसाइडेड अगेंस्ट द एसएससी। तो मान लीजिए सर मेरे एक एसएससी के केस में 1 करोड़ रुपए का एडिशन हुआ है और एसएससी उस एडिशन पर ऑलरेडी अपील में है, परंतु अभी सीआईटी अपील ने 31 जनवरी 2020 तक ऑर्डर नहीं लिखा, एसएससी कहता है कि चलिए हम विवाद से विश्वास स्कीम में जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सर ये मानते हुए कि 1 करोड़ रुपए के एडिशन पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, अपील उसके अगेंस्ट डिसाइड होगी, तो सर डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी किस पर निकाली जाएगी, पूरे के पूरे 1 करोड़ के एडिशन पर। इसी का दूसरा वर्जन समझिए सर, इन केस वेयर एन ऑर्डर इन अपील और रिट पिटीशन हैज बीन पास्ड बाय द अपीलेट अथॉरिटी ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम फॉर फाइलिंग अपील हैज नॉट एक्सपायर्ड एज ऑन 31 जनवरी 2020, देन टैक्स पेबल आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द ऑर्डर सो पास। इसका मतलब क्या है सर, 1 करोड़ रुपए का एडिशन था, मान लीजिए उसमें से 60 लाख रुपए का एडिशन तो सीआईटी अपील ने कंफर्म कर दिया कि हां साहब इतने का सही है, और 40 लाख रुपए का एडिशन सीआईटी अपील ने उड़ा दिया, यानी नेट एडिशन अब कितना रह गया सर, लेट्स अज्यूम 60 लाख रुपीज का, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो ऐसी परिस्थिति में सर डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी कितने पर निकाली जाएगी, आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ सीआईटी अपील ऑर्डर, यानी 60 लाख रुपए के ऊपर जो एडिशन सीआईटी अपील ने कंफर्म कर दिया उसके अकॉर्डिंगली सर यहां पर जो डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है उसकी कैलकुलेशन होगी। तीसरा केस, इन केस द ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द ईओ ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम फॉर फाइलिंग द अपील हैज नॉट एक्सपायर्ड। मान लीजिए ईओ ने अभी ऑर्डर पास किया है से 15 जनवरी 2020 को और मुझे 30 दिन का समयावधि उपलब्ध है, इस दौरान 31 जनवरी 2020 आ गई जब तक मैं अपील में तो नहीं गया, पर आईटीओ ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में से 15 लाख का एडिशन कर दिया, तो सर ये 15 लाख रुपए के एडिशन पर जो टैक्स लायबिलिटी बन रही थी वो डिस्प्यूटेड टैक्स के रूप में मानी जाएगी। और चौथा केस, वे रिवीजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 264 अंडर सेक्शन 264 इज पेंडिंग बिफोर सीआईटी एज ऑन 31 जनवरी 2020 द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल एज इफ रिवीजन वाज
नॉट टू बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है सर, मान लीजिए आईटीओ ने मेरे किसी असेसमेंट ऑर्डर में 5 लाख का एडिशन किया और उस 5 लाख के एडिशन पर हालांकि मुझे अपील करनी थी पर मैं अपील नहीं गया और मैंने सीआईटी के समक्ष सेक्शन 264 में एक रिवीजन एप्लीकेशन लगाई, तो ये मानते हुए कि रिवीजन एप्लीकेशन में मेरे जो 5 लाख रुपए का एडिशन मैं हटवाना चाहता हूं सीआईटी महोदय से, वो नहीं हटेगा, तो 5 लाख पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो डिस्प्यूटेड टैक्स मेरे को यहां पर इस केस में देना पड़ेगा। ये डिस्प्यूटेड टैक्स की व्याख्या सर हमारी फाइनल जो लायबिलिटी हमें विवाद से विश्वास स्कीम में पे करनी है उसके पर्पजेस से इंपॉर्टेंट है। डिस्प्यूटेड टैक्स की अपनी चर्चा को सर फर्दर ले रहा हूं आगे, दो और पॉइंट मुझे जो यहां डिस्कस करने हैं ई और जी। इन अ केस वेयर सीआईटी अपील हैज इशूड नोटिस ऑफ एनहांसमेंट अंडर सेक्शन 251 ऑन और बिफोर 31st of January 2020, द डिस्प्यूटेड टैक्स शैल बी इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स पर्टेनिंग टू द इशू फॉर विद द नोटिस ऑफ एनहांसमेंट हैज बीन इशूड। इसका मतलब क्या है सर, जरा समझने की कोशिश करिएगा। कई बार क्या होता है सर, ये सीआईटी अपील के पास में पावर है कि सीआईटी अपील के पास में जो केस हम लेकर के गए अपील में, सीआईटी अपील को लगता है कि आईटीओ ने जो एडिशन किया वो कम है, आईटीओ ने जो डिडक्शन दे दिए वो गलत दे दिए और वो और एनहांस करना चाहता है इनकम को। तो ऐसी परिस्थिति में सीआईटी अपील यदि एसएससी को एक एनहांसमेंट का नोटिस देकर के बैठे हैं तो फिर सर मान लीजिए मैं इसे उदाहरण से रखूं कि 10 लाख रुपए की इनकम एडिशन हुई थी मेरे असेसमेंट ऑर्डर में और मैं अपील में चला गया, सीआईटी अपील को लगता है कि नहीं आईटीओ को 10 लाख की जगह 13 लाख का एडिशन करना चाहिए था, तो सीआईटी अपील ने मुझे अंडर सेक्शन 251 3 लाख रुपए के और एडिशन के लिए नोटिस दे दिया, तो डिस्प्यूटेड टैक्स की गणना सर अब यहां 10 लाख के हिसाब से नहीं करके कितने के हिसाब से होगी, 13 लाख के हिसाब से। तो ये थोड़ा उल्टा चल रहा है सर यहां पर और ज्यादा लायबिलिटी की बात आएगी। और अगली इंपॉर्टेंट बात सर जो क्लेरिफिकेशन आया है इस स्कीम के थ्रू अमेंडेड वर्जन में रिवाइज वर्जन में, वेयर द डिस्प्यूट इन रिलेशन टू और इट इज रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JAA 115JB लॉस और डेप्रिसिएशन। ये क्वेरी लोगों की थी कि सर मान लीजिए मेरा मामला तो टैक्स क्रेडिट का है जो मैट क्रेडिट EMT क्रेडिट की है या जो लॉस से रिलेटेड मामला है या डेप्रिसिएशन का मामला है, तो मेरा डिस्प्यूटेड टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये कह रहे हैं सर आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, टू इंक्लूड द अमाउंट ऑफ टैक्स रिलेटेड टू सच टैक्स क्रेडिट और लॉस और डेप्रिसिएशन इन द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स और टू कैरी फॉरवर्ड द रिड्यूस टैक्स क्रेडिट और लॉस और डेप्रिसिएशन इन द प्रिस्क्राइब मैनर। इसका मतलब समझिएगा सर, या तो आप एक काम करें कि आप डिस्प्यूटेड टैक्स की गणना में जो भी आपको क्रेडिट उड़ा दी गई है या आपको लॉस का बेनिफिट नहीं दिया गया या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं दिया गया, तो आप एक काम करिए उसे डिस्प्यूटेड टैक्स जो उस अमाउंट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती थी उसको डिस्प्यूटेड टैक्स में शामिल करिए, डिस्प्यूटेड टैक्स का पेमेंट करिए और आपका जो भी लॉस है या मैट क्रेडिट है या डेप्रिसिएशन है उसे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। या आप एक काम करिए, आप विवाद से विश्वास स्कीम में यह मान लीजिए कि मुझे रिस्पेक्टिव मैट क्रेडिट EMT क्रेडिट लॉस या डेप्रिसिएशन का फर्दर क्लेम नहीं लेना है, तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन असेसी को चूज करना है। अब कौन सा चूज करना है वो निश्चित रूप से उनके टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको बताएंगे, अकॉर्डिंगली असेसी को यहां पर ऑप्शन फाइनल लेकर के आगे बढ़ना होगा। अब एक और टर्म सर जो हमें समझ लेनी चाहिए वो है टैक्स एरियर का मतलब क्या है। सर टैक्स एरियर में बाय डिफॉल्ट क्या क्या शामिल होगा सर, एक तो डिस्प्यूटेड टैक्स जिसका इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है, जो चाहे चार्जेबल और चार्ज है या पेनल्टी लेवीएबल और लेविड है। ऐसे ही सर डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट केवल इंटरेस्ट का मामला भी हो सकता है, केवल पेनल्टी का भी मामला हो सकता है या सेक्शन 234E 234F में कोई फीस का मामला भी हो सकता है। ये सारी टर्मोलॉजी सर ओवरऑल मिलाकर के डिस्प्यूटेड टैक्स, डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, डिस्प्यूटेड पेनल्टी और डिस्प्यूटेड फीस मिलकर के टैक्स एरियर का हिस्सा बनेंगे। तो सर ये जो मैं टर्मिनोलॉजी आपके सामने रख रहा हूं ये आपको ये समझने में काम में आएगी कि फाइनली एसएससी को अब इस स्कीम के अंदर जाने में टैक्स एरियर में से क्या तो अमाउंट देना है और क्या अमाउंट नहीं देना। अब आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों मैं आपके सामने ये और बात रख देना चाहता हूं कि विच आर द केसेस विच आर नॉट एलिजिबल फॉर
दिस पर्टिकुलर स्कीम, कि ऐसे कौन से केसेस हैं सर जो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है, और ये जो केसेस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, हालांकि मैं चार ही केसेस यहां पर रखे हैं, इसके अलावा दो तीन और केस भी हैं जो क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंस के नहीं है इसलिए मैं उन्हें नहीं रख रहा हूं यहां पर, परंतु ये केसेस आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका केस इनमें से किसी एक नेचर का है तो बाय डिफॉल्ट आप इस स्कीम में बेनिफिट लेने के योग्य नहीं है। पहला केस है सर, टैक्स एरियर रिलेटिंग टू एन असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3), 144, 147, 153A और 153C, यानी स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्केप्ड असेसमेंट, सर्च असेसमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्च इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132 और 132A इफ द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स एक्सीड्स ₹5 करोड़। यानी यदि किसी सर्च एक्शन की वजह से आपका ऊपर लिखित कोई असेसमेंट हुआ है 143(3) से लेकर के 153C में और आपकी टैक्स लायबिलिटी रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा की है तो आप एप्लीकेंट नहीं हो सकते। इसे बड़ा क्लियरली समझिएगा सर। जनरली जब सर्च होती है या सर्च के कॉन्सिक्वेंस में किसी दूसरे व्यक्ति का असेसमेंट होता है जिसे हम 153C में असेसमेंट खोलना बोलते हैं, तो प्रैक्टिकली सर 7 साल के असेसमेंट होते हैं, 6+1। जब ये असेसमेंट खोले जाते हैं तो पर ईयर टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन की जाती है। अब मान लीजिए जो सीबीडीटी के सर्कुलर में भी बात हुई है कि आपके 7 साल का असेसमेंट हुआ और उनमें से 3 साल में आपकी टैक्स लायबिलिटी पर ईयर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा निकल रही है, तो ये तीनों साल में आप, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी 5 करोड़ से ऊपर है, मैं यहां डिस्प्यूटेड टैक्स की बात कर रहा हूं केवल, तो ऐसी परिस्थिति में आप उस मैटर को विवाद से विश्वास स्कीम में ले जाने के योग्य नहीं है। परंतु जिन ईयर में से 7 में से 4 साल, उन ईयर में सर डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी, मैं टैक्स एरियर की बात नहीं कर रहा, डिस्प्यूटेड टैक्स यानी केवल टैक्स विद सरचार्ज एजुकेशन से एसएससीसी, यदि वो 5 करोड़ रुपए तक है तो उन 4 सालों को आप सर विवाद से विश्वास स्कीम में ले जा सकते हैं। दूसरी बात, टैक्स एरियर रिलेटिंग टू एन असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोसिक्यूशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन और बिफोर द डिक्लेरेशन फाइलिंग। अब प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूशन का मामला क्या है सर, जहां पर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग ले ली गई है, यानी अगर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन नहीं आया है केवल प्रोसिक्यूशन का नोटिस दिया है तो मैं मानता हूं सर वो पर्टिकुलर मामला इस स्कीम के योग्य होना चाहिए। तीसरी बात, टैक्स एरिया रिलेटिंग टू एनी अनडिस्क्लोज इनकम फ्रॉम अ सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और अनडिस्क्लोज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यदि भारत सरकार को यह सूचना मिली है कि आपकी विदेश में कोई इनकम है या विदेश में कोई एसेट है, से स्विस बैंक अकाउंट, और ऐसी परिस्थिति में आपका एडिशन किया गया है तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम में आने के योग्य नहीं है। चौथी बात, रिलेटिंग टू असेसमेंट रीअसेसमेंट मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 1990, व्हाट इज 1990, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यदि डीटीए के अंतर्गत दूसरी कंट्री से, दूसरी टेरिटरी से भारत सरकार को कोई सूचना मिली आपके संदर्भ में और फिर एक एडिशन किया गया है तो भी आपका केस सर इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। एक और बात सर जो सीबीडीटी ने सर्कुलर के थ्रू क्लेरिफाई करी है जो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी एसएससी के 2 एडिशन हुए, एक एडिशन हुआ 25 लाख रुपए का इनकम ऑफ आउटसाइड इंडिया एडेड इन द इंडियन इनकम और 10 लाख रुपए का एडिशन उस एसएससी को हुआ इस पर्टिकुलर मैटर पर जो कि इंडियन इनकम ही थी, तो वो कह रहा है चलिए साहब 25 लाख रुपए भारत से बाहर की इनकम है उसके लिए तो मैं विवाद से विश्वास में नहीं आ सकता, परंतु 10 लाख रुपए मेरी इंडियन इनकम है उसके लिए मैं विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट ले लेता हूं। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि बिट्स एंड पीसेस में एसएससी क्लेम करे? नहीं सर, अगर आपका स्कीम में कोई भी, आपके केस में कोई भी इनएलिजिबिलिटी आ गई जो मैंने 4 यहां पर लिखी है उनमें से किसी एक वजह से, तो आपका पूरा केस ही सर फिर विवाद से विश्वास स्कीम में जाने के योग्य नहीं रहेगा। अब दोस्तों मैं आपको यहां से आगे लेकर के चल रहा हूं कि रिलीफ या एमनेस्टी जो कि इस स्कीम के अंतर्गत, जिसे कि एक बिल के रूप में लाया गया जो फाइनली पास हो गया तो एक्ट बन जाएगा, वो रिलीफ या एमनेस्टी क्या है, और ये इसलिए समझना जरूरी है कि मूल वर्जन से जो रिवाइज्ड वर्जन आया है उसमें एमनेस्टी के अंदर, क्योंकि सर्च के केसेस जुड़ गए हैं सर, तो एमनेस्टी के अमाउंट के अंदर कुछ चेंजेस हैं जो हमें यहां पर समझने हैं। अब मैं यहां एक एक करके सर आपके सामने रिलेवेंट एमनेस्टी की बात करता हूं कि मैंने बाइफरकेशन दिया रिलेवेंट केस क्या है, 31 मार्च 2020 तक तो अमाउंट पेबल क्या है
और 1 अप्रैल 2020 से आगे जो सरकार लास्ट डेट नोटिफाई करेगी, जो अभी के लिए 30 जून 2020 लगती है, उसके बीच में आपको क्या अमाउंट देना है। हालांकि ये डेटे फाइनल होंगी अभी। टैक्स एरियर इज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट चार्जेबल और चार्ज ऑन सच डिस्प्यूटेड टैक्स एंड पेनल्टी लेवीएबल ऑन सच डिस्प्यूटेड टैक्स। आप एक सरल सा केस मानिए कि एक एसएससी पर 143(3) में असेसमेंट ऑर्डर हुआ, कोई सर्च एंड सीजर का मामला नहीं है, 7 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी है, 2 लाख रुपए का ब्याज है, ठीक है। तो सर उस एसएससी को यदि 31 मार्च 2020 तक उसका डिक्लेरेशन इस योजना में एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको केवल 7 लाख रुपए टैक्स की लायबिलिटी के देने हैं, 2 लाख रुपए का ब्याज या कोई भी पेनल्टी जो उस पर लग गई है या लगनी थी वो देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि सर वो एसएससी का डिक्लेरेशन 31 मार्च 2020 क्रॉस कर गया, ठीक है, इस पर थोड़ी क्लैरिटी और आनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी ओर से रखता हूं सर, मेरा यह मानना है अगर किसी व्यक्ति का डिक्लेरेशन 31 मार्च 2020 तक एक्सेप्टेड है या इवन फाइल्ड है तो सर उस व्यक्ति के केस में तो अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स ही देना है। लेकिन जिस व्यक्ति का मामला सर इसके बाद डिसाइड होगा 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स, उसको सर मेरे उदाहरण में से 7 लाख था तो 7,70,000 रुपए की राशि देनी पड़ेगी। दूसरा केस जो नया जुड़ा है सर, टैक्स एरिया रिलेट्स टू टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्च अंडर सेक्शन 132 और 132A। यदि आपका सर्च का मामला है तो सरकार कह रही है आपको डिस्प्यूटेड टैक्स का 125% राशि देनी है 31 मार्च तक, और यदि ये डेट निकल गए तो आपको 135%। मैं फिर रिपीट करूंगा सर, ओरिजिनल स्कीम में सर्च एंड सीजर के मामले थे ही नहीं। अभी मैंने आपके सामने पहले बात करी कि 5 करोड़ रुपए तक पर असेसमेंट ईयर वाले मामले अब कवर कर लिए गए, तो ये जो 5 करोड़ रुपए तक के मामले हैं सर, इनमें यदि 31 मार्च 2020 तक का आपका डिक्लेरेशन है, अमाउंट पेबल निश्चित है, तो आपको 125% से 10 लाख रुपए की लायबिलिटी डिटरमाइंड है एक ईयर में, तो आपको 12.5 लाख रुपए का पेमेंट करना है 31 मार्च तक, और अगर 31 मार्च निकल गई तो 13.5 लाख का पेमेंट करना है। तो इससे मैसेज क्या जा रहा है सर कि जो व्यक्ति सर्च एंड सीजर में कैप्चर हुए हैं उनके लिए अमाउंट पेबल ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल केसेस। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सर यहां आपके साथ डिस्कस करता हूं, पेनी स्टॉक का, कि ज्यादातर पेनी स्टॉक के मामले, पेनी स्टॉक होता क्या, हल्का सा आइडिया देता हूं सर, किसी ग्रुप के ऊपर सर्च एंड सीजर पड़ा, ज्यादातर कोलकाता बेस्ड कंपनियों के केसेस में ऐसा पाया गया कि वहां पर कोई कंपनी के शेयर को ब्रोकर्स चला रहे थे और एक व्यक्ति ने वो पर्टिकुलर शेयर खरीद लिया जिसे ब्रोकर्स चला रहे थे, मे बी बेस्ड ऑन द मार्केट इंफॉर्मेशन और व्हाटएवर। अब वहां उस ग्रुप के ऊपर सर्च एंड सीजर हुआ तो जिस व्यक्ति ने उस शेयर में ट्रांजेक्शन कर लिया उसका भी सर्च खोल लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और उसके भी से 2 लाख रुपए का एडिशन कर दिया और 2 लाख रुपए के एडिशन पर 30% के हिसाब से 60,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी बना दी। अब ये व्यक्ति सर क्योंकि किसी सर्च एंड सीजर के कॉन्सिक्वेंस से इसका असेसमेंट खुला है तो ऐसी परिस्थिति में सर बहुत संभव है कि इस व्यक्ति को फिर उस 60,000 का 125% यानी 75,000 रुपए का टैक्स पे करना है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, पेनल्टी नहीं देना। यदि वो इस प्रकार से पेमेंट करने के लिए तैयार है 31 मार्च तक तो 125% और 31 मार्च के बाद 135% पे करके वो मेंटल पीस बाय कर सकता है। अब यहां देखिए सर, यदि मामला ऐसे टैक्स एरियर का है जिसमें कि इंटरेस्ट ही डिस्प्यूटेड है या पेनल्टी ही डिस्प्यूटेड है या फीस डिस्प्यूटेड है तो 31 मार्च 2020 तक आपको 25% राशि का भुगतान करना है और उसके बाद आपको 30% राशि का भुगतान करना है ऐसे पेनल्टी इंटरेस्ट या फीस का। एक और क्वेश्चन सर बड़ा क्लियरली आपके सामने रख देता हूं जो आपको क्लियर है। यदि मान लीजिए मैंने असेसमेंट के पर्टिकुलर किसी एडिशन पर इस स्कीम का लाभ ले लिया तो सर मुझे ना तो इंटरेस्ट देना है ना पेनल्टी देना है, लेकिन अगर मैंने असेसमेंट के एडिशन पर तो अपील करी नहीं या अपील कर रखी है पर मैं विवाद से विश्वास में नहीं जा रहा, ठीक है, या कोई ऐसी पेनल्टी है जिस पर्टिकुलर पेनल्टी के लिए असेसमेंट की कोई डिपेंडेंसी नहीं है और पेनल्टी लग चुकी है तो ऐसी परिस्थिति में सर मुझे पेनल्टी की राशि का मात्र 25% पैसा 31 मार्च 2020 तक देना है और उसके बाद सर मेरे को 30% राशि देकर के जानी है। दो और इंपॉर्टेंट केस सर आपके सामने लेकर के आ रहा हूं जिनमें एमनेस्टी कैसे मिलेगी जो हमें क्लियरली पता होना चाहिए, अगेन 31 मार्च 20 तक और 1 अप्रैल 20 ऑनवर्ड्स। वेयर एन अपील और रिट पिटीशन और SLP इज फाइल्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑन एन इशू बिफोर अपीलेट फोरम। मैं इसको उदाहरण से समझाता हूं सर। मान लीजिए एसएससी सीआईटी अपील में जीत गया
और फर्दर अपील आईटीएटी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीएटी में फाइल कर दी। तो लॉ कह रहा है सर कि आपको वन हाफ ऑफ द अबव रेफर्ड अमाउंट ही देकर के जाना है। ठीक है, वन हाफ ऑफ द अबव रेफर्ड अमाउंट का मतलब क्या है सर कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एडिशन हुआ था, उस एडिशन पर मैं सीआईटी अपील में जीत गया परंतु डिपार्टमेंट अपील में चला गया आईटीएटी में, तो ऐसी परिस्थिति में सर मेरे को मात्र कितना अमाउंट देना है सर यदि मैं विवाद से विश्वास में जाना चाहता हूं? हाफ ऑफ द अमाउंट देना है एंड आई कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्कीम। और यदि मैं 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स गया तो ऊपर जो मैंने 110% लिखा था सर, वो 110% मनाफ होकर के अब कितना हो जाएगा यहां पर 55%। इसी प्रकार से दूसरा केस, वेयर एन अपील इज फाइल्ड बिफोर सीआईटी अपील ऑन एन इशू ऑन विद द एसएससी हैज ऑलरेडी गॉट अ डिसीजन इन हिज फेवर फ्रॉम आईटीएटी और हाई कोर्ट एंड सच डिसीजन इज नॉट रिवर्स। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 2013-14 का मेरा अपील ऑलरेडी आईटीएटी ने मेरे फेवर में डिसाइड कर दिया, 2014-15 असेसमेंट ईयर में सेम मैटर मेरा वापस से आ गया है सीआईटी अपील में और पिछले ईयर में मेरे को आईटीएटी ऑलरेडी फेवर दे चुकी है। मान लीजिए मैं सीआईटी अपील वाले मामले को, चूंकि 2014-15 में मेरा पेंडिंग है, उसको विवाद से विश्वास में ले जाना चाहता हूं तो मुझे सर 50% ऑफ द अबव अमाउंट यानी 100 का आधा वो अमाउंट देना है और इसी प्रकार से 110 का आधा यहां पर मुझे देना है। और मेरी ये बात सर पेनल्टी के लिए भी लागू होगी, सर्च के केसेस बिल के लिए भी हाफ अमाउंट के साथ में सर आप उसे समझ सकते हैं। एक और बात सर, एक और केस, वेयर एन अपील इज फाइल्ड बाय द अपीलेंट ऑन इशू बिफोर आईटीएटी ऑन व्हिच ही हैज ऑलरेडी गॉट अ डिसीजन इन हिज फेवर फ्रॉम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एसएससी आईटीएटी में अपील फाइल कर रहा है और उस इशू पर पहले से उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फेवर दे दिया, या इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से देखा जाएगा यानी पिछले केस में भी एसएससी को ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने फेवर दिया किसी दूसरे ईयर में, तो भी सर यदि वो विवाद से विश्वास में जाना चाहता है तो उसको 50% ऑफ द अबव रेफर्ड अमाउंट, अबव रेफर्ड का मतलब 100 का आधा, 125 का आधा या 25% का आधा एज द केस में भी, ऐसे ही सर 110 का आधा, 135 का आधा या 30% का आधा अमाउंट एसएससी को पे करते हुए विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत जाने का ऑप्शन रहेगा। अब दोस्तों यहां पर मैं आपके सामने बात रख रहा हूं व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, हालांकि ये प्रोसीजर अभी फाइनल होगा जैसे ही ये पर्टिकुलर बिल एक्ट का रूप ले लेगा, लेकिन प्राइमा फेसा ये लगता है, अ डिक्लेरेंट दैट इज एन अपीलेंट मे फाइल अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। आप तैयार रहिए जो लोग विवाद से विश्वास स्कीम में जाना चाहते हैं कि उन्हें एक डिक्लेरेशन फाइल करना है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास में ऑन और बिफोर द लास्ट डेट। यहां लास्ट डेट को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, 31 मार्च 2020 और उसके बाद जो सरकार नोटिफाई करेगी। डिक्लेरेंट शैल ऑल्सो फाइल एन अंडरटेकिंग, आपको एक घोषणा भी देनी है, अंडरटेकिंग करनी है, वेविंग इज राइट टू सीक और परस्यू एनी रेमेडी और क्लेम इन रिलेशन टू टैक्स एरियर विच में अदरवाइज बी अवेलेबल टू हिम। आपको ये भी अंडरटेकिंग देनी है सर कि यदि मेरा ये पर्टिकुलर डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो मैं और किसी प्रकार की रेमेडी या क्लेम नहीं फाइल करूंगा। डीए यानी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, अब डिक्लेरेंट ने तो अपना एप्लीकेशन करने का काम कर दिया, डिक्लेरेशन फाइल कर दिया, अब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या करेगी, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिक्लेरेशन बाय ऑर्डर डिटरमाइन द अमाउंट पेबल बाय द डिक्लेरेंट एंड ग्रांट अ सर्टिफिकेट टू द डिक्लेरेंट कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स एरियर एंड द अमाउंट पेबल बाय हिम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। फाइनली आपके डिक्लेरेशन के बाद डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आपके डिक्लेरेशन फाइल करने के 15 दिवस के अंदर अंदर आपको बता देगी कि आपका टैक्स एरियर क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइनली जो अमाउंट पेबल है वो अमाउंट क्या है, ये एक प्रोसीजर का हिस्सा रहेगा। और समझिए सर प्रोसीजर में, डिक्लेरेंट शैल पे द अमाउंट डिटरमाइंड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सर्टिफिकेट। जैसे ही डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आपको एक सर्टिफिकेट दे देगी कि अच्छा साहब ये आपका टैक्स एरियर है, ये फाइनली आपको देना है, तो आपको वो सर्टिफिकेट मिलने से 15 दिवस के अंदर अंदर वो अमाउंट का भुगतान कर देना है एंड इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ सच पेमेंट टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। देयर अपॉन द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी शेल पास एन ऑर्डर स्टेटिंग दैट द डिक्लेरेंट हैज पेड द अमाउंट। फिर फाइनली आपको एक ऑर्डर और मिलेगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से कि हाँ साहब ये कंफर्मेशन है कि आपने रिस्पेक्टिव राशि का भुगतान कर दिया है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी शेल नॉट, अब वो क्या नहीं करेगी, ये एक इम्यूनिटी है,
shall not institute any proceeding in respect of an offence or impose or levy any penalty or charge any interest under the Income Tax Act in respect of tax arrear. तो सर ये इंपॉर्टेंट है कि जब एक बार आपका डिक्लेरेशन किया, डिक्लेरेशन पर सर्टिफिकेट इशू हुआ, आपने भुगतान कर दिया, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करेगी और फर्दर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यह भी करेगी कि वो आपके अगेंस्ट में किसी प्रकार से ना कोई ऑफेंस, ना कोई पेनल्टी, ना कोई इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर रिस्पेक्टिव मामले पर जिस पर आपने विवाद से विश्वास में अप्लाई किया है इनिशिएट नहीं करेगी। पर एक बात सर मैं यहां कंफ्यूजन के लिए नहीं बोल रहा, क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए मेरा ए सोर्स असेस हो गया 144 में या 143(3) में और मैं उसके अगेंस्ट में विवाद से विश्वास स्कीम में चला गया और मैंने लाभ ले लिया विवाद से विश्वास स्कीम का। कुछ समय बाद मेरा बी सोर्स का रीजन टू बिलीव डिपार्टमेंट के पास में आता है तो डिपार्टमेंट उस मैटर को 147 में लेना चाहता है, यानी रीअसेसमेंट में लेना चाहता है। क्या डिपार्टमेंट विवाद से विश्वास स्कीम में जिन्होंने लाभ उठा लिया उनके अगेंस्ट उसी असेसमेंट ईयर की इंफॉर्मेशन के लिए 147 कर पाएगा या नहीं? ऐसा कोई नेगेटिव बात यानी रेवेन्यू के अगेंस्ट में नहीं लिखी है बात, तो यानी अगर आपकी कोई इनकम सरफेस पर आने से रह गई है और वो बाद में डिपार्टमेंट की जानकारी में आती है तो मेरी ओपिनियन में सर डिपार्टमेंट उस जानकारी के बेसिस पर वापस से रीअसेसमेंट कर पाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। अब यदि सर डिक्लेरेशन हो गया यानी आपका डिक्लेरेशन फाइल हो गया तो इसका क्या इफेक्ट यानी प्रभाव क्या होगा, तो आप इसे समझिएगा। अपॉन फाइलिंग द डिक्लेरेशन एनी अपील पेंडिंग बिफोर सीआईटी अपील और आईटीएटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स एरियर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विड्रॉन। ठीक है, जब आपने डिक्लेरेशन फाइल किया है और किस दिन से विड्रॉ होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू द असेसी। आपने डिक्लेरेशन फाइल किया, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया, ऑर्डर की बात बात के है, सर्टिफिकेट इशू कर दिया सर, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी अपील सीआईटी अपील आईटीएटी की विड्रॉ हो गई। वेयर डिक्लेरेंट हैज फाइल्ड एन अपील बिफोर अपीलेट फोरम और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ही शैल withdraw such appeal or writ petition or SLP with the leave of court after issuance of certificate by DA and submit a proof of the same with the DA। जहां मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है सर, तो आपको एक प्रूफ के साथ में कि issuance of certificate of designated authority के बाद में एक प्रूफ के साथ में सबमिट करना है designated authority के बाद कि साहब मैंने request file कर दी है कि मेरी वो particular appeal withdraw कर रहा हूं। In case of pending arbitration, conciliation और मीडिएशन प्रोसीडिंग द डिक्लेरेंट शैल विड्रॉ द क्लेम एंड फर्निश द प्रूफ ऑफ द सेम टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो ये भी चीज हमारे को ध्यान रखनी है कि ये इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन होगा। अब देखिए सर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस रिवाइज बिल के अंतर्गत आ रही है, इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन कंटिन्यू। रिवाइज बिल के सेक्शन 5 में एक एक्सप्लेनेशन सरकार इंसर्ट कर रही है, वो कह रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय क्लेरिफाइड। सरकार क्या क्लेरिफिकेशन दे रही है सर, आप समझिएगा। इट इज हेयर बाय क्लेरिफाइड मेकिंग अ डिक्लेरेशन अंडर दिस एक्ट शैल नॉट अमाउंट टू कंसीडिंग द टैक्स पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपने डिक्लेरेशन दे दिया, मान लीजिए कोई 3 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन था जिसे आईटीओ ने सेक्शन 68 में जोड़ दिया और आपने उसी व्यक्ति से अगले साल में भी 2 लाख रुपए फिर ले रखे हैं। आपने पहले ईयर के लिए जहां पर कोई अपील चल रही है 3 लाख रुपए के एडिशन पर, उसमें डिपार्टमेंट के साथ में विवाद से विश्वास में एग्री कर लिया कि चलिए साहब इस 3 लाख रुपए पर मेंटल पीस बाय करने के लिए मैं टैक्स पे करता हूं, तो क्या यह मान लिया जाएगा कि अगले साल में उसी पार्टी से जो 2 लाख रुपए लिए हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कह सकता है सर आप पिछले साल में मान लियो कि वो 3 लाख रुपए आपका टैक्स पेबल अमाउंट है, यानी आप ही की एक तरीके से रिसीट थी तभी तो आपने दिया उस पर टैक्स, तो अगले साल में भी क्यों ना हम 2 लाख का एडिशन कर दें। तो बड़ा क्लियरली यहां पर कह दिया कि इट इज हेयर बाय क्लेरिफाइड मेकिंग अ डिक्लेरेशन अंडर दिस एक्ट शैल नॉट अमाउंट टू कंसीडिंग द टैक्स पोजीशन, यानी ये माना नहीं जाएगा कि आपने मान ली अपनी पोजीशन को आगे के लिए भी। इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर इनकम टैक्स अथॉरिटी और डिक्लेरेंट बीइंग अ पार्टी इन द अपील और रिट पिटीशन और एसएलपी टू कंटेंड दैट द डिक्लेरेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी एज द केस में बी हैज एक्विस्ड इन द डिसीजन on the disputed issue
बाय सेटलिंग द डिस्प्यूट, यानी असेसी को प्रोटेक्शन रहेगा कि वो आगे उसी मैटर पर फिर से लड़ना चाहे दूसरे असेसमेंट ईयर के लिए तो लड़ सकता है। पीछे अगर उसने विवाद से विश्वास में उस पर टैक्स दे दिया, एग्री कर गया, तो इट डज नॉट मीन कि आगे के लिए, आगे के असेसमेंट ईयर के लिए या किसी और असेसमेंट ईयर के लिए उसके लड़ने का रास्ता बंद हो गया, वो रास्ता खुला रहेगा। अब दोस्तों, आगे मैं आपके सामने कुछ FAQs डिस्कस करने वाला हूं जो कि सर्कुलर नंबर 7/2020 से CBDT ने जारी कर दिया ऑलरेडी। हालांकि ये स्कीम अभी फाइनल होकर के हमारे सामने आना बाकी है, यानी मैं ये नहीं कहना चाह रहा अभी स्कीम में और चेंजेस होंगे, मोस्ट प्रोबेबली स्कीम इज फाइनल, इसलिए मैंने इसका टाइटल भी फाइनल वर्जन दिया है। और इसी दृष्टि से CBDT ने कुछ FAQs भी जारी किए हैं जो सर्कुलर नंबर 7/2020 है, तो मैं आगे के डिस्कशन में उन्हीं सर्कुलर से जो FAQs मैंने पिक किए हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगे आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा कि CBDT ऑलरेडी एक सर्कुलर नंबर 7/2020 ले आई है, 4 मार्च 2020 को जिस दिन लोकसभा ने अमेंडेड बिल को यहां पर अप्रूव कर दिया, और इसमें चार प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर दिया है। टोटल 55 क्वेश्चंस का आंसर CBDT ने दिया है। क्वेश्चंस ऑन स्कोप एलिजिबिलिटी, क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलकुलेशंस, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोसीजर एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्सिक्वेंसेज रिस्पेक्टिवली। उनके क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन नंबर्स जो यहां पर हैं वो मैंने आपके सामने इंगित किए हैं। मैं यहां सारे क्वेश्चंस जो सर्कुलर में डील किए उन्हें नहीं डिस्कस करने जा रहा, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके लिए काम के हैं बहुत, उनको मैं यहां पर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इफ द डिस्प्यूटेड डिमांड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हैज बीन पेड बाय अपीलेंट व्हाइल बीइंग इन अपील। मान लीजिए आप CIT अपील में, ITAT में अपील में खड़े हैं, परंतु आपने सेफर साइड ऑलरेडी टैक्स का लायबिलिटी और इंटरेस्ट जो चाहे डिस्प्यूटेड भी है पे कर दिया, और अब आप विवाद से विश्वास स्कीम में जा रहे हैं, तो सरकार के लिए कोई बात नहीं सर, जो आपने पे कर दिया अगर वो अमाउंट ज्यादा है विवाद से विश्वास में पेबल अमाउंट से तो हम आपको रिफंड कर देंगे, परंतु सर किसी भी सूरत में सरकार वो राशि का रिफंड आपको ब्याज सहित नहीं करेगी। तो ये चीज एक थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पेड राशि विदाउट इंटरेस्ट निश्चित रूप से रिफंड कर दी जाएगी। अगला मामला देखिए सर, यहां पर यह कहा गया कि मान लीजिए एक ऐसा केस है वेयर एन अपीलेंट डिजायर्स टू सेटल द कंसीलमेंट पेनल्टी अपील पेंडिंग बिफोर CIT अपील व्हाइल कंटिन्यूइंग टू लिटिगेट द क्वांटम अपील दैट हैज ट्रेवल टू द हायर अपीलेट फोरम कंसिडरिंग दीज आर टू इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट अपील वेदर अपीलेंट कैन सेटल वन टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर इफ यस वेदर सेटलमेंट ऑफ पेनल्टी अपील विल हैव एनी इंपैक्ट ऑन क्वांटम अपील। कहने का मतलब क्या है सर, क्वांटम अपील का मतलब क्या है, असेसमेंट ऑर्डर पर अपील, और पेनल्टी की अपील तो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि 271(c) में पेनल्टी लग गई। कहने का यहां पर जो इंटरप्रिटेशन निकालना है वो क्या है कि असेसी कह रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू, सर मैं पेनल्टी के ऊपर तो उस विवाद से विश्वास में चला जाता हूं क्योंकि मैंने अपील फाइल करके 25% पेनल्टी दे रहा हूं, फ्री हो जाऊंगा, असेसमेंट पर मैं लड़ लेता हूं, क्योंकि सर ये पेनल्टी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द असेसमेंट है, तो आपको असेसमेंट पर विवाद से विश्वास में जाना है, पेनल्टी अपने आप क्वैश हो जाएगी, पेनल्टी की प्रोसीडिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचोगे नहीं साहब, मैं पेनल्टी पर तो विवाद से विश्वास में चला जाता हूं और असेसमेंट पर मैं आगे लड़ लूंगा, तो इस क्वेश्चन के थ्रू CBDT इस तरीके के ऑप्शन लेने को मना कर रही है, ये यहां पर कंक्लूजन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है सर, वो ये कहता है कि मान लीजिए एक असेसी पर 234(a)(b)(c) में मेबी रिटर्न नहीं फाइल करने के लिए या डिलेड रिटर्न फाइल करने के लिए, एडवांस टैक्स नहीं पे करने के लिए, डेफरमेंट के लिए कोई मैटर चल रहा है, असेसी ने अपील तो नहीं फाइल करी परंतु उसने एक वेवर एप्लीकेशन 31 जनवरी 2020 को CIT के समक्ष फाइल कर रखी है, क्या वो असेसी ऐसे मैटर को विवाद से विश्वास में ले जा सकता है? तो उत्तर दिया, नहीं सर, क्योंकि आपकी अपील नहीं पेंडिंग है इसलिए आप इस मैटर को विवाद से विश्वास में नहीं ले जा सकते। अब ये प्रश्न देखिए सर, वेदर असेसी कैन अवेल ऑफ विवाद से विश्वास फॉर सम ऑफ द इश्यूज एंड नॉट एक्सेप्ट अदर इश्यूज। मैंने पहले भी आपको बोला था सर कि आप ये सारे मैटर को ही विवाद से विश्वास में लेकर के जाएंगे, ये नहीं कि अच्छा 4 में से 2 मैटर मेरे को लग रहा है कि ये तो मेरे अगेंस्ट हो सकता है डिसाइड हो तो इनको विवाद से विश्वास में ले लेता हूं, बाकी पर अपील लड़ लेता हूं। तो CBDT ने बड़ा क्लियरली बोल दिया, पिकिंग एंड चूजिंग इश्यूज फॉर सेटलमेंट ऑफ एन अपील इज नॉट अलाउड विद रिस्पेक्ट टू वन ऑर्डर द अपीलेंट मस्ट चूज टू सेटल ऑल द इश्यूज एंड देन ओनली ही वुड बी एलिजिबल टू फाइल द डिक्लेरेशन।
So this is from that point of view important. Question number 18, देखिए सर, are disputes relating to wealth tax, security transaction tax, commodity transaction tax and equalization levy further covered into Vivad Se Vishwas? बड़ा clearly बोल दिया, no sir, only the dispute related to income tax are covered under Vivad Se Vishwas scheme. अब ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सर, ये कहता है असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) ऑफ द एक्ट वाज पास्ड इन द केस ऑफ एन एसएससी फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16. सेड असेसमेंट ऑर्डर इज पेंडिंग विद आईटीएटी. सब्सिक्वेंटली अनदर ऑर्डर अंडर सेक्शन 147(143)(3) वाज पास्ड फॉर द सेम ईयर एंड व्हिच इज आल्सो पेंडिंग बिफोर सीआरटीपी. कुड बोथ और वन ऑफ द ऑर्डर बी सेटल्ड अंडर विवाद से विश्वास? बिल्कुल सर, आप यहां मानना क्या है कि आपका एक असेसमेंट ईयर पर पहले 143(3) हो गया, फिर उसी असेसमेंट ईयर पर 147 हो गया, आप दोनों ही ऑर्डर पर अपील में हो, तो आपकी जो इच्छा हो आप उस वाले ऑर्डर को विवाद से विश्वास में लेकर के जा सकते हैं. आप दोनों को भी अपील में ले जा सकते हैं, विवाद से विश्वास में ले जा सकते हैं, उनमें से एक को भी विवाद से विश्वास में लेकर के जा सकते हैं. ये चूज एसएससी को करना है. अब यहां क्वेश्चन क्या है सर, इन केस ऑफ एन एसएससी प्रोसिक्यूशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड एंड इज पेंडिंग इन द कोर्ट. मैं इसी पर इंफेसिस दे रहा हूं, हालांकि मैंने पहले भी डिस्कशन किया, यदि प्रोसिक्यूशन लॉन्च हुआ है, केवल शो कॉज नोटिस आया है, मैं मानता हूं आप विवाद से विश्वास में जाने के योग्य हैं. परंतु यदि प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट होने के बाद में पेंडिंग इन कोर्ट हो गया, यानी कोर्ट में डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग दाखिल कर दी प्रोसिक्यूशन की, तो सर एसएससी विवाद से विश्वास स्कीम में नहीं जा पाएंगे, अदरवाइज विवाद से विश्वास स्कीम में जाने के योग्य केस रहेगा. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए सर, वो ये कहता है इन केस एन अपील और आर्बिट्रेशन इज पेंडिंग टू द स्पेसिफाइड डेट ऑन द स्पेसिफाइड डेट बट अ रेक्टिफिकेशन इज ऑल्सो पेंडिंग विद द ईओ which if accepted will reduce the total assessed income. Will the calculation of disputed tax be calculated on the rectified total assessed income? तो इसका आंसर सर affirmative दिया गया है. क्या आंसर दिया है? मान लीजिए आपने AO के assessment order पर appeal तो करी दी और आपने AO के assessment order में कुछ calculation mistake या किसी भी वजह से section 154 में rectification request लगा रखी और इधर आप विवाद से विश्वास स्कीम में चले गए, एओ के ऑर्डर को अभी एक बार मेंटेन करते हुए आपने जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स है वो पेमेंट कर दिया. बाद में एओ ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में रेक्टिवेशन किया, से टैक्स लायबिलिटी आपकी कम हो गई, तो क्या विवाद से विश्वास में पे की गई राशि डिस्प्यूटेड टैक्स भी चेंज होगी? तो यहां अफर्मेटिव आंसर दिया है कि हाँ सर, डिस्प्यूटेड टैक्स की राशि उस परिस्थिति में आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कैलकुलेट की जाएगी. तो दिस इज अन अफर्मेटिव आंसर विच विल फेवर टू द एसएससी. क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, इन अ केस आईटीएटी हैज पास्ड ऑर्डर गिविंग रिलीफ ऑन टू इश्यूज एंड कंफर्मिंग थ्री इश्यूज. यानी आईटीएटी ने दो मामलों पर, पांच में से दो मामलों पर तो रिलीफ दे दिया एसएससी को और तीन मामले रेवेन्यू के पक्ष में कंफर्म कर दिए. टाइम टू फाइल अपील हैज नॉट एक्सपायर्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट. यानी अभी हमें हाईकोर्ट में जाना है, हाईकोर्ट में जाने का 120 दिन का पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ. Taxpayer wishes to file declaration for three issues which have gone against him. तो एसएससी जो है सर, जो तीन इश्यूज के अगेंस्ट हुआ है उनके ऊपर डिक्लेरेशन लेकर के जाना चाहता है विवाद से विश्वास में. What about the other two issues as the taxpayer is not sure if the department will file appeal or not. तो बाकी के दो इश्यूज जो हैं सर, जिन पर वो ऑलरेडी आईटीएटी में जीत गया पर हो सकता है डिपार्टमेंट अपील में हाईकोर्ट में चला जाए, से क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो क्या होगा? तो आंसर दिया विवाद से विश्वास allow the declaration to be filed when time to file appeal has not expired, considering them to be a deemed appeal case. Vivad Se Vishwas also envisages upon the assessee to file declaration for only his appeal or declaration for department appeal or declaration for both. Thus, in a given situation, the appellant has a choice. He can only settle his deemed appeal on three issues or he can settle department deemed appeal on two issues और ही कैन सेटल बोथ. तो ये क्लैरिटी दे दी सर कि आपके जो टू इश्यूज हैं, आप ये मान लें कि डिपार्टमेंट अपील पे चला जाएगा तो उनको विवाद से विश्वास में ले लें, आपके अगेन जो तीन डिसाइडेड हैं उन पर आप विवाद से विश्वास में जाएं, उन पर चल जाएं, आप दोनों पर जाना चाहें आप दोनों पर भी विवाद से विश्वास में जा सकते हैं. तो ये पिक एंड चूज करना यहां पर संभव लगता है और एसएससी को विद द हेल्प ऑफ टैक्स कंसल्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चीजें तय करनी पड़ेगी. ये क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 38, एडिशन वाज मेड अंडर सेक्शन 143(3) ऑन टू इश्यूज. दो मामलों पर एसएससी का एडिशन हुआ.
whereas appeal filed only for one addition. Asas hi keval ek mudde par hi appeal mein gaya. Whether the interest and penalty be waived for both the addition. Se do addition hue asas hi ke case mein, ek 4 lakh ka aur ek 5 lakh ka. 4 lakh wale addition par asas hi appeal mein nahi gaya, usko lagta hai ki uska case kaccha hai, to chalo uska tax mein de dunga. 5 lakh wale addition par main CIT appeal mein hu. तो सर अब मैं 5 लाख वाले मुद्दे पर मान लीजिए विवाद से विश्वास में जाता हूं, तो क्या 4 लाख वाला मुद्दे के ऊपर जो पेनल्टी इंटरेस्ट है वो वेव हो जाएगा? नहीं सर, अंडर विवाद से विश्वास इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विल बी वेव्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू व्हिच इज डिस्प्यूटेड इन अपील एंड फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज फाइल्ड. हेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड इशू, यानी मेरे मामले पर जो एडिशन मैं मान चुका हूं 4 लाख वाला, उसके ऊपर तो न केवल मुझे टैक्स देना पड़ेगा बल्कि इंटरेस्ट और पेनल्टी का भी भुगतान करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है सर, वेयर देयर आर टू अपील्स फाइल्ड फॉर एन असेसमेंट ईयर, वन बाय द अपीलेंट एंड वन बाय द टैक्स डिपार्टमेंट, वेदर द अपीलेंट कैन ऑप्ट फॉर ओनली वन अपील, इफ यस हाउ वुड द डिस्प्यूटेड टैक्स बी कंप्यूटेड. तो हालांकि इसका उत्तर पहले एक क्वेश्चन में भी कुछ हद तक हमें मिला है, यहां बड़ा क्लियरली बोल दिया गया, द अपीलेंट हैज एन ऑप्शन टू ऑप्ट टू सेटल अपील फाइल्ड बाय or filed by the department or both. Declaration form is to be filed assessment year wise. That is only one declaration for one assessment year. For different assessment years, separate declaration have to be filed. So the appealant needs to specify in the declaration form whether he wants to settle his appeal or departmental appeal or both for a particular assessment year, and the computation of tax payable would be carried out accordingly. तो 100% या 50% जो भी गणना होगी सर, वो अकॉर्डिंगली फिर की जाएगी. एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, वेदर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कैन अमेंड इज ऑर्डर टू रेक्टिफाई एनी पेटेंट एरर. मैंने जैसे पहले बोला सर, डिक्लेरेंट अथॉरिटी ने, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने आपको एक सर्टिफिकेट देना है, बाद में भी एक फाइनल ऑर्डर देना है. यदि उसमें कोई पर्टिकुलर मिस्टेक रह जाए जो कि अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो उसमें रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है, ऐसा सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया है. दो बातें सर जो रिवाइज बिल के अंदर भी नहीं है, मैं यहां रख रहा हूं क्वेश्चन रिमेनिंग अनआंसर्ड. ऐसी अपीलें सर जो हमने 31 जनवरी 2020 तक फाइल कर दी है और जिनमें हमने डिलेड अपील फाइल करी है विद अ कंडोनेशन रिक्वेस्ट ऑल्सो, उनका क्या होगा, इस विषय में अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है. मुझे लगता है सर असेसी के फेवर में इस तरीके के मैटर्स को डिसाइड करना चाहिए. यदि अपील ऑलरेडी फाइल हो गई है तो उसको माना जा सकता है, या सीआईटी अपील्स तय करें कि हाँ ऐसे कंडोनेशन ऑफ डिले रिक्वेस्ट के साथ जो अपीलें हुई हैं उनका स्टेटस उनके यहां पर उनकी नजर में क्या है. दूसरी बात, ऐसे मामले जो 263 के रिविजन के हैं उनको इस स्कीम में नहीं कवर किया गया. क्यों नहीं कवर किया गया, इसका रीजन मैं तो नहीं दे सकता, बेटर नोन टू द गवर्नमेंट, पर मेरी ओपिनियन में सर उन केसेस को भी यहां पर कवर किया जा सकता था. दोस्तों मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं. ये स्कीम महत्वपूर्ण है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट एज इट विशेस टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स विद द असेसीज. इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू एंश्योर द कलेक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. हमें ये देखना है सर हमारे लिए ये स्कीम कितनी महत्वपूर्ण है. हम क्या चाहते हैं, हम मेंटल पीस बाय करना चाहते हैं या हमें लगता है हमारे जीतने के चांसेस निश्चित रूप से कम हैं या वीक हैं, तो हमें सर इस स्कीम में जरूर लाभ उठाना चाहिए. और साथ के साथ सर जो यहां पर स्कीम के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको इस सीबीडीटी सर्कुलर के थ्रू क्लेरिफाई करने की कोशिश की गई 7/2020, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उस पूरे सर्कुलर को यहां पर रेफर करें ताकि आपको और क्लैरिटी इस विषय पर मिले. यदि आपके कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड मेरी ओर से रह गए हों तो आप मुझे कमेंट पोर्शन में लिखें, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनका उत्तर आपको दे सकूं. मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.